हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया हिंदी में। स्टॉक आइडिया हिंदी में आपको आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। हर हर कब जो है इन्फॉर्मेशन को कवर किया जाता है। तो इसके लिए अभी हम जो आईपीओ की बात कर रहे हैं उसका जो 4 को आईपीओ आने वाला है, 500 करोड़ का आईपीओ, और हर्षा इंजीनियर का भी ये बाप होने वाला है कि उस जबरदस्त आपको इसमें प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देगा। ये साउथ इंडिया की कंपनी है, साउथ इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी है जो आईपीओ ला रही है। 500 करोड़ से ज़्यादा का इसका शेयर इशू होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, नाम से ही समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेल है, कंपनी इंडिया की है और ये साउथ की कंपनी है। ये मोबाइल, स्मॉल एप्लीकेशन, आईटी एंड अदर चीज़ें, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है। जो कि इन सब चीज़ों का बता दूं नॉलेज की कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाली। ना लोग रेफ्रिजरेटर यूज करना बंद करेंगे, ना एसी, ना कूलर। तो इन सब की डिमांड बढ़ने ही वाली है और आने वाले टाइम में जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और इस जिस फील्ड से कंपनी बिलोंग करती है उस कंपनी का जो है डिमांड बनी ही रहेगी मार्केट में। ऐसा ये बिजनेस है, इस बिज़नेस को आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ ही मिलने वाली है। क्योंकि कोरोना टाइम में जब इस कंपनी का बिज़नेस बंद हुआ है उसके बाद भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी इसका आगे हम फाइनेंशियल भी जानेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की कंपनी है, इसका फाइनेंशियल क्या है। तो ये जो है 2021 में इसने सेबी में अपना ड्रॉप फाइल किया था। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आईपीओ आता है उसका ड्राफ्ट फाइल करती है सेबी के पास कंपनी। जब वहाँ से अप्रूवल मिलता है उसके बाद वो मार्केट में अपना आईपीओ लेके आती है। तो उसके अप्रूवल कंपनी ने 2021 में जमा किया था और उसके अप्रूवल मिला। उसके बाद कंपनी ने 500 करोड़ के शेयर जारी करने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी का अलॉटमेंट 12 अक्टूबर को होगा और लिस्टिंग 17 अक्टूबर को होने वाली है। कंपनी के बारे में इस कंपनी के बारे में अभी हम सबसे पहले फाइनेंशियल देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 ईयर का फाइनेंशियल है। तो सबसे बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की, जो कि टैक्स देने के बाद है 2019 का 77.1 करोड़ है। करोड़ में है, जो कि लगभग एसएमई आईपीओ के जो है लाख में ही आपको डेटा देखने को मिलता है यहाँ, लेकिन करोड़ों में इसका मतलब आप देख सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी की। और 2021 में प्रॉफिट की बात करें 58.62 करोड़ है, जो कि इससे ये लगा सकते हैं कोरोना के बाद कम जो है बिजनेस को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा है। इसका यही रीजन है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट देखने को लिए है। 2020 में कंपनी 81.61% का परफॉर्मेंस किया है। और टोटल एसेट की बात करें 11,009 करोड़ जो है इसका 2019 में था, 1523 करोड़ जो है 2021 में है। और नेटवर्थ की बात करें कंपनी की 340 करोड़ की थी, 340 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी 2019 में थी। और 2021 की बात करें तो लगभग 492 करोड़ की ये इसने नेटवर्थ है कंपनी की। टोटल रेवेन्यू की बात करें 2826.1 करोड़ का जो है 2019 में था। और 2021 की बात करें तो 3237 जो है करोड़ 2021 में था। काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल है कंपनी ने, किसी भी साल नेगेटिव परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग फाइनेंशियल दिख रहा है, जो कि मोस्टली कंपनियां जो है कोरोना के टाइम में आपको परफॉर्मेंस लूज करते दिखाई देती, लेकिन इस कंपनी में लगातार प्रॉफिट ही बना है और अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करती आई है। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता है लेकिन नेगेटिव में डेटा नहीं है। सबसे पॉजिटिव बात यह है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ का जो है 4 अक्टूबर को आ रहा है। इसका जो है आईपीओ की क्लोजिंग 7 अक्टूबर को, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक 12 अक्टूबर है, रिफंड 13 अक्टूबर को जाएगा, क्रेडिट शेयर 14 अक्टूबर को है और लिस्टिंग 17 अक्टूबर को होने वाली है। जो है ये डेट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी दिन लिस्टिंग होगी। इसे आईपीओ की बीएससी और एनएससी दोनों में आईपीओ लिस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको 10 रुपये फेस वैल्यू रखी गई है। शेयर का प्राइस अभी तक कंपनी ने मतलब कुछ भी अनाउंसमेंट किया है कि शेयर का प्राइस क्या रखा जाएगा, ना अलॉटमेंट साइज रखा है, बस ये बचा है एचएनआई के लिए। इसमें परसेंटेज कम रखे गए हैं, 15% रिटेलर को, 35% यहाँ पर दिया गया रिटेलर को। कोई काफ़ी अच्छा शेयर जो है रिटेलर की है यहाँ पे रखा गया है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है जो कि जो आईपीओ आ रहा है उसके एक दिन पहले की। उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कंपनी का। ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन एंड ओपनिंग स्टोर एंड वेयर हाउस कंपनी को चाहिए। फंडिंग इंक्रीमेंट के लिए कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, रीपेमेंट के लिए है कंपनी को जो है रिक्वायरमेंट, रीपेमेंट प्रीपेमेंट फुल और पार्ट और ऑल
सर्टेन टाइप के बारिंग जो कंपनी को देने हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों के लिए इस IPO से जो पैसा कंपनी जुटाएगी इन सब चीज़ों में अपना कंपनी पैसा यूज करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट डेट होने वाली एंकर जिस दिन इस IPO के लिए एंकर इन्वेस्टर आएंगे, एंकर इन्वेस्टर के लिए जो है हमारे लिए तो IPO 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स में 3 अक्टूबर को आते हुए दिखाई देंगे उससे, और हमें और क्लियर होगा एंकर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट हमें बहुत मायने रखती है, उससे IPO पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है, बड़े प्लेयर जो है इसमें आ जाते हैं, बड़े प्लेयर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे IPO में और ज़्यादा बूस्टअप मिलता है और वहाँ पर लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा शानदार देखने मिलता है और प्रॉफिट भी अच्छा शानदार देखने को मिलता है। जैसे अभी अन्नपूर्णा शंकर जी ने इन्वेस्ट किया, शंकर जी के इन्वेस्ट करते हुए उस IPO में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो इसी तरह से ये IPO भी है, जब इसमें कोई बड़े प्लेयर आ जाएंगे तो इससे और भी ज़्यादा इसमें आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह हर्षा इंजीनियरिंग में आज जो लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के दिन आपने देखा ताबड़तोड़ उसने परफॉर्मेंस किया है हर्षा इंजीनियरिंग ने, 430 का लो को ब्रेक करके जो है 527 तक का हाई बनाया है, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इसी तरह के IPO परफॉर्मेंस जब करते हैं, जो मैं QI और NI का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है, तभी इस तरह के IPO ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस कंपनी का हमने फाइनेंशियल देख लिया, इस कंपनी का हमने बिजनेस देखा, और क्या इंपॉर्टेंट डेट है ये भी हमने जान लिया है। तीन सारी चीज़ों को हम जानने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, तो हमें इस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आगे किसी भी IPO में अप्लाई करने के पहले हमें एक दो दिन का वेट करके उस IPO में सब्सक्रिप्शन आते हुए देख लेना चाहिए कि कितने सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग और भी क्लियर करनी चाहिए। जब हम ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं तो इससे हमें कंफर्म अपने माइंड को हम इंडिकेशन दे पाते हैं कि हमें इस IPO में हम जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अगर मेंटल प्रिपेयर नहीं है तो इस प्रॉफिट बनाते हुए मार्केट में भी आप लॉस कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने आप को एक पॉजिटिव साइड में लेके चलना है। इस तरह के IPO में हमेशा आपको हमें हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको कट ऑफ प्राइस पे अपना अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं इससे आपको और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अलग अलग अकाउंट का मतलब है अलग अलग पैन कार्ड से अप्लाई करते हैं तो और भी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। फ्रेंड, लाइक का और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं करता, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं, आने वाले टाइम में IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप बेस्ट डीमैट अकाउंट है और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ अपस्टॉक का है, आप भी जाके वहाँ से अपना लिंक ओपन कर सकते हैं। और IPO के बारे में और किसी भी स्टॉक के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप स्टॉक के बारे में, IPO के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपना एनालिसिस रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।